डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रो थर्मल एटोमाइज़र। और ये जो एटोमाइज़र है ना, ये एक टाइप है डिस्क्रीट टाइप ऑफ एटोमाइज़र्स का। मैं इसको बोलूँगा डिस्क्रीट एटोमाइज़र। तो ये एक एग्जांपल है किसकी, डिस्क्रीट एटोमाइज़र की। डिस्क्रीट मतलब डिसकन्टिन्यूस, जिसमें हम एक सैंपल लेते हैं, थोड़ा सा उसका एनालिसिस करते हैं, उसके बाद में अगर हमें दूसरे सैंपल का एनालिसिस करना हो तो उसमें भी कुछ पोर्शन लेंगे सैंपल का, उसका डायरेक्ट हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो ये जो एटोमाइज़र है, इसकी मैं एक ये डायग्राम आपके सामने पेश करता हूँ, जो एक ताबूत के जैसे लग रहा है। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, ये जो एटोमाइज़र है इसमें एक ग्रेफाइट ट्यूब रहती है, जो हम इलेक्ट्रिकली हीट कर सकते हैं, यानी जो इलेक्ट्रो थर्मल ट्यूब है, ग्रेफाइट ट्यूब। मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे, ये है ग्रेफाइट ट्यूब, राइट। यहाँ तक तो ठीक है। इस ट्यूब के अंदर एक छोटी सी ट्रे रहती है, मैं इसको बोलूँगा प्लेटफॉर्म। मान लीजिए ये ट्यूब है, या यहाँ पे लिखूँगा मैं, ये ट्यूब है, यहाँ पे इस ट्यूब के अंदर यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है ये वाला, या मैं ट्रे बोलूँगा, आप ट्रे बोलो या प्लेटफॉर्म बोलो। इस ट्रे के अंदर हम सैंपल रखते हैं, और सैंपल कहाँ से डालते हैं, यहाँ से डालते हैं। ये जो सैंपल है ना, ये 5 से 50 माइक्रोलीटर्स का होना चाहिए, या इतने ही mg's का, सपोज 5 to 50 mg। मैं यहाँ पे लिखूँगा एवरेज 25 माइक्रोलीटर, या 25 mg सैंपल लेते हैं हम। ठीक है, अगर ये लिक्विड रहा तो हम ये ऑटोमेटेड सिरिंज के थ्रू यहाँ पे डालते हैं, या फिर माइक्रो पिपेट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो पिपेट बोलते हैं इसको, और माइक्रो पिपेट। ठीक, यानी पिपेट ये है, लेकिन ये माइक्रो पिपेट आपने देखा भी होगा लेबोरेटरीज में, माइक्रो पिपेट ये लैब्स में रहता है। ठीक है, इसमें बहुत ही कम सैंपल आप ले सकते हैं। ये हम इसके थ्रू यहाँ पे इंजेक्ट कराते हैं, और ये जो पिंक बॉल्स की जैसे लग रहा है ना, ये एक्चुअली सैंपल है, राइट। यहाँ तक तो ठीक है। मैंने आपसे कहा कि ये हम रखते हैं किस में, ग्रेफाइट ट्यूब में, ठीक। और इस ग्रेफाइट ट्यूब को बाहर से हम इन्हें इलेक्ट्रिकली हीट करते हैं, तो ये हीट अप हो जाता है और हम एनालिसिस कर सकते हैं, ये मैं बताऊँगा बाद में। लेकिन इसके बाहर से, इस ट्यूबिंग के बाहर से, यहाँ पे और एक जैकेट रहता है। ये जो जैकेट है ना, इसके थ्रू हम एर्गॉन गैस पास करा सकते हैं। ये एर्गॉन गैस इनलेट है और ये आउटलेट, एर्गॉन आउट। और आप देखो, ये और ये जो ना, इन दोनों का कनेक्शन इसके साथ भी है, यहाँ पे इसके साथ ओपनिंग है। और यहाँ पे ये सेप्टम है, रबर सेप्टम, यानी जो क्लोज वगैरह हो सकता है। ठीक है, अब एर्गॉन गैस क्यों पास कराते हैं? एर्गॉन गैस इसलिए पास कराते हैं ताकि ये इसमें जो भी बाकी गैसेस हों उन सबको फ्लश आउट कर दे, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन है, उन सबको बाहर निकाल दे। ठीक है, और जो यहाँ पे गैसेस प्रोड्यूस होती हैं उनको भी बाहर निकालने का यही काम करता है एर्गॉन गैस। यहाँ से इन कराते हैं, इसको आउट, तो ये एक्स्ट्रा गैसेस जो ये फ्लश आउट करता है। ठीक, अब यहाँ पे मैंने आपको दूसरा दिखाया, यहाँ पे ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है, ये एक्चुअली ऐसे ट्यूबिंग है, जिस तरह पेन में अंदर से एक ट्यूब, फिर उसके बाहर और एक ट्यूब, फिर उसके बाहर और एक ट्यूब, वैसे यहाँ पे भी है। दीज आर एक्चुअली कंसेंट्रिक ट्यूब्स। ये जो है ना, ये वाली ट्यूबिंग, ये इसके हर तरफ है ऐसे। इसका काम क्या है, इस ट्यूबिंग का काम, जिसका काम क्या है इस रीजन का, यहाँ पे हम कूलेंट, जैसे वाटर, वाटर जो है, वाटर इन कराते हैं, मगर कौन सा वाटर, कोल्ड वाटर, और यहाँ से वाटर बाहर निकालते हैं वापस, यानी ये इसको सिस्टम को कूल रखने में काम आता है, या कूलिंग में काम आता है। हमें तो ये जो रीजन है ना, ये रीजन, ये हॉट चाहिए, लेकिन इसके बाहर जो रीजन है वो हमें कोल्ड चाहिए, वो
हीटअप नहीं होना चाहिए, उससे बचने के लिए हम कोल्ड वाटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। और यहाँ पे इन दोनों के दरमियान मैंने यहाँ पे दिखाया है ऐसे ग्रीन लाइन, सो इसका मतलब ये है कि ये इस ट्यूब के डायरेक्ट कंटेक्ट में नहीं आता, समझ में आना। ये जो है ये एक्चुअली अंदर एक ट्यूब है, ग्रेफाइट ट्यूब जो आपको रिफिल दिख रही है अंदर, उसके बाहर से और एक ट्यूब है जिसके थ्रू एर्गन हम पास करा सकते हैं, उसके बाहर और एक ट्यूब है जिसके थ्रू हम वाटर यानी कोल्ड वाटर पास करा सकते हैं ताकि सिस्टम कूल रहे, ठीक है, यानी पूरा जो बाकी सिस्टम है। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना ये वाली, ये जो रेड कलर का दिखाया मैंने, इसको मैं बोलूँगा ऑप्टिकल विंडोज, ऑप्टिकल विंडोज जो कॉर्ड्स की बनी हुई रहती है। ये कॉर्ड्स का एक विंडो है, ये कॉर्ड्स का दूसरा विंडो, यहाँ से पैक है बंद, समझ में आया। अब देखो अगर आपको ये पूरा सिस्टम समझ में आया तो आपको ये भी समझ में आया होगा कि यहाँ पे कहीं पे भी फ्लेम का जिक्र हमने नहीं किया, ना तो फ्लेम इसमें बंद थी, क्लियर। यहाँ पे हमने सैंपल डाला, सैंपल डालने के बाद में इस ट्यूब में, ये जो ट्यूब है इसके अंदर इन इस ट्यूब को जो ये जो ग्रेफाइट ट्यूबिंग है इसको हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल हीटिंग होती है, ठीक, इलेक्ट्रोथर्मल हीटिंग जिसको बोलते हैं हम। तो उस हीटिंग से क्या होता है, उस हीटिंग से ये सैंपल वेपराइज होता है, इसमें की जो इम्प्योरिटीज़ वो वेपराइज हो जाती हैं, और फिर हम टेम्परेचर बढ़ा के इसको एटमाइज करते हैं, क्या कराते हैं, एटमाइज, यानी जब टेम्परेचर बढ़ जाता ना तो ये सैंपल एटमाइज होता है एट हाई टेम्परेचर। जब इसमें एटम के वेपर्स बनते हैं तो उस टाइम पे हम यहाँ से लाइट पास कराते हैं, ये लाइट पास हो रही है, ये सोर्स है यहाँ पे लाइट का सोर्स जो हमने अभी तक पढ़ा, और यहाँ पे रहता है डिटेक्टर, क्या रहता है, डिटेक्टर। यहाँ से लाइट आती है, इसके थ्रू पास होती है, और यहाँ पे आपको इस सैंपल के एटम्स दिखेंगे वेपर्स में, ठीक, समझ में है ना, और ये यहाँ तक चले जाते हैं। ये जो ब्लैक कलर का मैंने अलग बनाया है जिसके ऊपर पिंक बॉल्स हैं, इसको हम कहते हैं प्लेटफॉर्म, क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर हम सैंपल रखते हैं या जिसके ऊपर हम सैंपल रखते हैं, समझ में आया, यहाँ तक तो पूरा समझ में आई कहानी। अब देखो कैसे करते हैं इसको, ये जो पूरा जो प्रोसेस है ना ये हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सिस्टम आपने देख लिया, सिस्टम बना हुआ है, इसमें गैस आप इन भी कर सकते हैं, गैस आउट भी कर सकते हैं, यानी इसमें एर्गन गैस यानी इनर्ट एटमॉस्फेयर हम क्रिएट करते हैं। दूसरा मैंने आपको दिखाया कि बाहर से इसको वाटर जैकेट रहता है जो उसको कूलिंग के लिए रहता है, और अंदर रहता है ग्रेफाइट ट्यूब, ग्रेफाइट ट्यूब में हम रखते हैं सैंपल, उस सैंपल को कराते हैं हीट ताकि वो एटम्स में कन्वर्ट हो जाए और वेपर्स बन जाए, एटम्स के वेपर्स बन जाए, यहाँ तक तो हो गया। फिर उन एटम के वेपर्स के थ्रू हम लाइट पास कराते हैं और देखते हैं कि एटम्स कितना एब्जॉर्ब करते हैं और कितना नहीं करते, जो हमें एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए ज़रूरी है, समझ में आया ना। अब देखो इसको कैसे काम कराते हैं स्टेप बाय स्टेप जो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमने सैंपल डाला, ये हम माइक्रो सिरिंज से डाल सकते हैं या फिर ऑटोमेटेड सिरिंज से, इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया पूरा, इसके थ्रू गैस फ्लश कर दी ताकि जो एक्स्ट्रा गैसेस हैं वो बाहर हो जाएं, ठीक, एटमॉस्फेयर पूरा इनवर्ट हो गया, राइट। उसके बाद में फिर से हम इसको थोड़ा सा हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट, पहला स्टेप नंबर वन, हम इसको हीट करते हैं, हीट कितना करते हैं, टेम्परेचर बताता हूँ मैं, हीट करते हैं हम 150 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक, कितना, 150 डिग्री सेल्सियस पे, सिस्टम को याद ध्यान में रखना, इतना हीट किया, ठीक। और ये करते हैं हम, ये जो प्रोसेस है ना ये करते हैं हम कुछ सेकंड्स के लिए, कितना कितने टाइम के लिए, फॉर 30 to 40 सेकंड्स, इतना याद रख लेना, क्लियर, ये हो गया। जब हमने ये हीट किया तो सॉल्वेंट इवेपोरेट होता है, क्या होता है, सॉल्वेंट इवेपोरेट, ये होगा पहला स्टेप।
बात मेरी समझ लेना। अब अगर हम ये इवापोरेटर सॉल्वेंट निकालना तो क्या करेंगे, यहाँ से एरगॉन का फ्लश दिया, यहाँ से सॉल्वेंट जो इवापोरेट हुआ था वो बाहर फिर से इनर्ट हो गया, ठीक है, सॉल्वेंट चला गया। कितने टेम्परेचर पे किया हमने, ये 150 पे। अब दोबारा दूसरा स्टेप क्या करते हैं, अब हमें निकालना है इसमें से जो भी वोलाटाइल ऑर्गेनिक मटेरियल होगा वो हमें बाहर निकालना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इसको हम हीट करते हैं फर्दर। पहले हमने 150 के पे किया, अब हम दूसरे स्टेप में हीट करेंगे फिर से। हीट कितना, 600 डिग्री सेल्सियस, क्लियर, 600 डिग्री सेल्सियस पे किया। अब कितनी देर के लिए करेंगे, बस ही 30-40 सेकंड के लिए, ठीक है, मैं लिखूंगा फॉर 30 सेकंड्स, ठीक। अब क्या हो गया, मैं बोलूंगा VOC वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हो जाएंगे इवापोरेट, राइट। अब ये दोनों इवापोरेट हो गए, अब आपको मालूम है कि आप इनको एरगॉन फ्लश से बाहर करा सकते, हो गया ये हो गया बाहर। अब हम एरगॉन को यहाँ पे दिखाएंगे ना, अब मैं सिस्टम को थोड़ा सा ऊपर ले जाऊंगा और हमारे यहाँ पे थोड़ी सी जगह मिल जाएगी। अब तीसरा स्टेप जो है, तीसरा स्टेप ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। अब इस तीसरे स्टेप में आपको सैंपल को इवापोरेट कराना है, यानी सैंपल को वेपराइज कराना है, और उसी स्टेप में आपको करना है इसको एटमाइज, यानी पहले आप सैंपल को इवापोरेट करो फिर एटमाइज करो। यहाँ पे भी हम हीट करते हैं, लेकिन ये हीटिंग जो है ये हम करते हैं फ्रॉम 2000 डिग्री सेल्सियस टू 2500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 2500 डिग्री सेल्सियस, क्लियर, यानी 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस के दरमियान, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको धीरे धीरे हीट करा देते हैं, ठीक। धीरे धीरे का मतलब स्टेप बाय स्टेप, यहाँ से शुरू करते हैं यहाँ तक, ठीक। और ये जो प्रोसेस है ये एब्रप्ट होना चाहिए, मैंने यहाँ पे धीरे धीरे इसके लिए बोला कि मतलब स्टेप बाय स्टेप, मगर यहाँ मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, धीरे धीरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम धीरे धीरे आराम से करेंगे हीट। हीट इसको बहुत फास्ट किया जाता है, फास्ट मतलब ये 5 से 10 सेकंड्स के दरमियान पूरा टेम्परेचर राइज कर देते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें ये जो सैंपल है ये वोलाटाइल बन जाता है, उड़ जाता है, मतलब वेपराइज हो जाता है, ठीक। सैंपल सॉल्वेंट वगैरह नहीं है, ये सैंपल वेपराइज हो गया, सैंपल वेपराइज होगा और उसके साथ में ये एटोमाइज भी हो जाता है, और उसी दौरान हम यहाँ से यहाँ लाइट पास करा देते हैं। समझ में आया, यहाँ पे लाइट पास करा देते हैं, किस दौरान, इस दौरान जब हम इसको हीट करते हैं फॉर 5 to 10 सेकेंड्स, ठीक है, यानी जब ये वोलाटालाइज हो जाता है, वोलाटाइलाइज एंड एटमाइज, एटमाइज होता है, यानी दो चीज़ें साथ में होती हैं, क्लियर, समझ में आया। और ये तो हो गया, जब हम लाइट पास करेंगे तो लाइट यहाँ पे जितनी एब्जॉर्ब होगी वो हमें डिटेक्टर बता देगा। तो ये हो गया पूरा ऑपरेशन, ये हमारा जो एटमाइजर ही इस तरह काम करता है। अब काम करने के बाद में आफ्टर वर्किंग या आफ्टर एनालिसिस बोलूँगा मैं, एनालिसिस, इसको हमें साफ करना पड़ता है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना इसको क्लीन करना पड़ता है, जैसे आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में बर्तन साफ करते हैं ताकि इसमें दोबारा खा सकें, वैसे यहाँ पे भी करना है, ठीक है। देखो क्या करना, इसको इसमें जो सैंपल था वो हीट अप हुआ, हम यहाँ से फिर ये यहाँ पे ओपनिंग खोल देंगे ताकि ये पूरा उड़ जाए, इवापोरेट हो जाए, ठीक है, समझ में आया। अब जो रिमेनिंग होता है यहाँ पे, बाकी जो सैंपल का बचा खुचा रहता है उसको भी बाहर निकालना पड़ता है। उसको कैसे बाहर निकालते, उसको बाहर निकालने के लिए हम यहाँ पे टेम्परेचर फर्दर बढ़ा देते हैं।
हम 2700 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, यानी आफ्टर एनालिसिस क्या करते हैं हम इसको हीट करते हैं। हीट कर कितना करते हैं 2700 डिग्री सेल्सियस, और साथ साथ में हम एर्गोन भी देते हैं, एर्गोन फ्लश देते हैं इसको, ठीक है। इस टेम्परेचर पे जो रेसिड्यू रहता है वो इवोपरेट हो जाता है और एर्गोन फ्लश इसको बाहर निकाल देता है, ये फ्लश आउट हो जाता है। क्लियर, समझ में आया? और इस एनालिसिस में मतलब ये हो गया, क्लीन हो गया, अब आप दूसरा एनालिसिस कर सकते, दूसरे सैंपल का एनालिसिस कर सकते हैं, समझ में आया? अब एक बात तो क्लियर है, इस एनालिसिस में जो एनालिसिस होती है वो ऑलमोस्ट 100% जो सैंपल है वो पूरा एनालाइज होता है। मैं लिखूँगा एनालिसिस जो होती है वो बहुत ही एफिशिएंट होती है, कितना 100%, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100% एनालिसिस इसमें हो जाती है। क्लियर, यानी ऑलमोस्ट पूरा सैंपल इसमें इवापरेट होता है और एनालाइज हो जाता है। क्लियर, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये पूरा वोलेटलाइज हो गया तो इसका मतलब इसकी जो सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी वो हाई है एज कंपेयर टू फ्लेम एटमाइजर, इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा रहती है, बहुत ही अच्छी रहती है। क्लियर, समझ में आया ना? और एक खास बात इसमें क्या है, इसमें ऑक्साइड बनने की जो चांसेस है, ऑक्साइड यानी अगर आपका एटम बन गया, मेटल एटम बन गया, उसके बाद में फ्लेम में क्या हो जाता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और हमें जो एटम्स चाहिए वो बराबर नहीं मिलते क्योंकि उनमें से कुछ ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडेशन जो है यानी ऑक्साइड फॉर्मेशन जो यहाँ पे होती है वो ना के बराबर होती है, यानी अगर हो भी जाए तो थोड़ी हो जाती, क्योंकि हम जो सैंपल है जो जिसका हम एनालिसिस करते हैं हम उसको पहले पूरा पर्ज करते हैं, यानी हम उसमें से पूरी जो गैसेज है वो पहले बाहर निकाल देते हैं, उसको इवैक्यूएट कर देते हैं पहले, समझ में आया? तो यहाँ पे ऑक्साइड फॉर्मेशन के चांसेस बहुत ही कम है। और आपको जो सैंपल है, सैंपल सैंपल आपको ज़्यादा अमाउंट में नहीं लगेगा, आपको कम अमाउंट में सैंपल लगता है, ये इसकी खासियत है। और एक खासियत, तो तीन चीज़, तीन फायदे हैं ये। चौथा फायदा क्या है, चौथा फायदा क्या है, देखो जो फ्लेम एटमाइजर है उसमें फ्लेम अगर फ्लक्चुएट हो जाए, यानी कम ज़्यादा हो जाए, कभी लो हो जाए तो कभी हाई हो जाए, उससे क्या होता है, उससे हमारे रिजल्ट्स में भी फ्लक्चुएशन आती है। तो यहाँ पे फ्लेम जो फ्लक्चुएशन है, फ्लेम फ्लक्चुएशन उसके तो चांसेस है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे तो फ्लेम बनती नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट हम एटम को हीट करते हैं, इलेक्ट्रिकली हीट करते हैं, इलेक्ट्रोथर्मल हीट, थर्मल हीटिंग से हीट करते हैं और उसको इवापरेट करके एटोमाइज करते हैं, समझ में आया? तो ये इसके फायदे हैं, इसके फायदे। इसके अलावा भी और सारी टेक्निक्स हैं जिनसे हम एटमाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन हम अपने सिलेबस के हिसाब से ये दो टेक्निक समझेंगे। और फिर से मैं कह रहा हूँ, आई होप ये आपको समझ में आया होगा जो मैंने पढ़ाया, लेकिन आप इसके साथ साथ बुक्स भी पढ़ना ना छोड़ें, बुक्स पढ़ा करें क्योंकि बुक्स पढ़ने से बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है? चलो आज इतना ही, मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए बाय।